बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। दुमका के बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला में प्रशासन की मुकम्मल व्यवस्था के बीच कांवरियों की सेवा में कई स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सामाजिक संगठन भी अहम भूमिका निभा रही है। स्वयंसेवी संस्था के सैकड़ों स्वयंसेवक रात हो या दिन हर वक्त कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं और श्रावणी मेला के सफल आयोजन में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सेवा भाव से कांवरियां भी गदागद है। खासकर भागलपुर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर कई स्वयंसेवी संस्था लगातार कांवरियों की सेवा में जुटी हुई है। इस मार्ग पर भागलपुर के बरारी से जल लेकर काफी संख्या में डाक बम जल अर्पण के लिए बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन डाक बम और कांवरियों की सेवा के लिए इस मार्ग पर काफी कम शिविर है। ऐसे में न्यू केयर हॉस्पिटल डाक कांवरियों सेवा शिविर ने सावन के पवित्र महीने की शुरू होते ही डाक बम को अपनी सेवा देनी शुरू की है। न्यू केयर हॉस्पिटल के प्रोपराइटर डॉक्टर तुषार ज्योति के नेतृत्व में उनकी टीम सावन के हर सोमवारी को शिविर के माध्यम से कांवरियों की सेवा में जुट जाती है। शिविर में भक्ति जागरण के आयोजन से लेकर डाक बम एवं कांवरियों की सेवा के लिए मेडिकल सुविधा, गर्म पानी, फल सहित कई अन्य सुविधा दी जाती है। पूरी टीम सोमवारी के एक दिन पहले ही बासुकीनाथ धाम जाने वाले डाक बम की सेवा में रात भर जुटी रहती है। सावन की अंतिम सोमवारी को भी न्यू केयर हॉस्पिटल की पूरी टीम डाक बम की सेवा में तत्पर रही। इस टीम में डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, शिव भक्त एवं हर वर्ग से जुड़े लोग शामिल हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी आप डाक बम का आप जितना भी सेवा करिए कम है, और हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, अपने दिल से जितना हो सके इनका हम लोग सहयोग करें। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि देवघर वाले रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था और वहाँ पे बहुत तरह के श्रद्धालु लोग आते थे जो सेवा भी करते थे, बट जहाँ तक बात है सुल्तानगंज भागलपुर रूट का, इस रूट में बहुत कम जगह ऐसा टाइप का शिविर होता था जहाँ पे श्रद्धालुओं का सेवा किया जा सके। तो हम लोगों ने अपने सब दोस्त भाई लोग से मिल के डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर करेंगे, और अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। संतुष्टि तो सर आपको बता नहीं सकते, इतना संतुष्टि है, और मतलब जितना भी सेवा किया जाए कम है, और हम लोग जहाँ तक सक्षम है अपने शारीरिक और बाकी सब तरीके से हम लोग कर रहे हैं सर। आप डॉक्टर भी हैं, किस तरह का सेवा दे रहे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं सर? डॉक्टर के साथ साथ हम एक ह्यूमन बीइंग भी हैं सर, तो जहाँ तक हो सकता है मेडिकल के अलावा बाकी जो भी हम लोग दे सकते हैं अपने डाक बम को, पानी का हो गया व्यवस्था, और मतलब उनका जो ये रास्ता है वो स्मूथ रहे बासुकीनाथ तक, हम लोग उसका ध्यान रखते हैं सर। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि एक डॉक्टर होने से पूर्व वो एक इंसान है और मानवीय संवेदना के नाते उनका फर्ज बनता है कि लोगों को पूरी सेवा भाव से सहयोग करे। शिव भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं का सेवा करने के लिए डाक बम हुए, जो बोल बम वाले लोग होते हैं जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करके अपने जल अर्पण करने आते हैं बाबा बासुकीनाथ धाम में, तो यहाँ पर सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कि एक अपना एक डॉक्टर होने के नाते और एक ह्यूमन बींग होने के नाते मीन्स मतलब लगता है कि अपना जो ज्ञान को और शक्ति को हम यहाँ पे पालन करके हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। बोलते जाइए।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।